हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी होममेड कॉलिन बनाना। आप जो है घर पर बहुत ही आसानी से कॉलिन बना सकते हो। मार्केट से पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे भी बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है दोस्तों, जिससे आप घर के बाकी साफ़ सफाई करती हैं, जैसे कि टीवी साफ़ करती हैं, फ्रिज साफ़ करती हैं, डाइनिंग टेबल, किचन टाइल्स वगैरह, या बाथरूम की आप टाइल्स साफ़ कर सकती हो। इससे बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक जग ले लेना है, या कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो आप। और उसमें हमें ऐड करना है पानी। आप जितना क्वांटिटी में होममेड क्लीनर बनाना चाहते हो, यानी कि होममेड कॉलिन बनाना चाहते हो, वो हिसाब से पानी ले सकते हो। मगर यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है दोस्तों। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है हमारा विनेगर। 2 बड़े चम्मच विनेगर लिया है। विनेगर हर किचन में होता है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और 1 चम्मच लिया है खाने वाला सोडा। तो इसका रिएक्शन आप देख सकते हो, इसमें बबल्स आने लग गए। इसको थोड़ा से मिक्स करते हैं अच्छे से, तो आप देख सकते हो। अब हमें क्या लेना है? अब कुछ भी नहीं लेना है दोस्तों, ये रेडी हो गया है। देखा कितना झटपट से रेडी हो गया है ना। बस अब इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, कोई भी आपके पास क्लीन स्प्रे बॉटल है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप नॉर्मल बॉटल में भी इसको ऐड कर सकते हो और इसका इस्तेमाल भी इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास स्प्रे बॉटल है, जो कि हर वीडियो में मैं इस्तेमाल करती हूँ, आपने देखा ही होगा। तो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ और इसका ढक्कन बंद करके कुछ ना कुछ आपको क्लीन करके बता देती हूँ। तो चलिए मैं अपनी किचन की टाइल्स को क्लीन करके आपको फटाफट से बता देती हूँ कि एक होममेड कॉलिन किस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये टाइल्स है, चूल्हे के जस्ट पीछे ही है दोस्तों। काफ़ी गंदी हो जाती है, तेल मसाले छीटा आता है, कितना गंदा हो जाता है। तो इसी को हम क्लीन करके देखेंगे कि इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर मैंने स्प्रे कर दिया है, अब इसको साफ़ करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कितना इजीली क्लीन हो जा रहा है। इसकी शाइन जो है बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो रहा है दोस्तों। आप लोग भी इसी तरह से झटपट से क्लीन कर सकते हो। आप लाइव रिजल्ट देख सकते हो। होममेड क्लीनर जो है बनकर तैयार हो गया है। अब बाजार से लाने की झंझट ही खत्म हो गई दोस्तों। तो ये देख लीजिए आप, कितना अच्छा क्लीन हो गया है, शाइनिंग हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना आसान तरीके से ये क्लीन हो गया है। बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है, बहुत ही अच्छे से साफ हो गया है झटपट से। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइए।